أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अपने मन में बिठा के तुझे या गौहर 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 करूँ मैं गौहर गौहर करूँ गौहर गौहर करूँ मैं गौहर गौहर करूँ यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर 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 करूँ मैं गौहर गौहर करूँ गौहर गौहर करूँ मैं गौहर 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 करूँ मैं गौहर गौहर करूँ तेरा जलवा रहे अब यूं ही सामने तेरा चेहरा रहे अब यूं ही सामने तेरा जलवा रहे अब यूं ही सामने तेरा चेहरा रहे अब यूं ही सामने ऐसे दर्शन करूं ऐसे दर्शन करूं मैं तेरे दर्शन करूं गौहर गौहर करूं मैं गौहर गौहर करूं गौहर गौहर करूं मैं गौहर गौहर करूं यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर 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 करूं मैं गौहर गौहर करूं गौहर गौहर करूं मैं गौहर लोग कहते हैं कि ये गोश्त का लोथड़ा है ये अल्लाह कैसे करता है हमने देखा है जबान ही नहीं है इसकी गोश्त का लोथड़ा ये अल्लाह कैसे करता यही कहते हो ना जी बेशक यही कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये जबान ये भी तो गोश्त का लोथड़ा है ना ये अल्लाह कैसे करती है बस ये भी गोश्त का लोथड़ा वो भी गोश्त का लोथड़ा ये जबड़ों के दरमियान लटकी हुई है और वो पसलियों के दरमियान लटका हुआ है दोनों की शक्ल एक ही है इस जबान के गोश्त गोश्त के लोथड़े को अल्लाह अलग कराने के लिए एक मखलूक है जो सीने के दरमियान में है उसका नाम है लतीफा अख्फा अगर वो मखलूक खत्म हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं जबान सही है ये बोलता क्यों नहीं है उस गोश्त के लोथड़े को बुलवाने के लिए भी एक मखलूक है जिसका नाम है लतीफा कलब फर्क कितना है यह मखलूक आजाद है और वो 180,000 जालों के अंदर बंद है अगर कोई शख्स उसको भी आजाद करा ले तो जिस तरह ये जबान अल्लाह करती है इस तरह वो गोश का लोथड़ा अल्लाह करता है फिर वो गोश का लोथड़ा जो अल्लाह करता है वो जो मखलूक है जिसका नाम है लतीफ़ कलब वो दिल उसकी जानमाज बन जाता है फिर इलामा इकबाल ने कहा यही मस्जिद यही काबा यही गुले गुलजार जन्नत है।